अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक सेल थ्योरी, सेल थ्योरी के हवाले से बात करेंगे और इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे सेल थ्योरी के फाउंडर्स कौन थे, कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने सेल थ्योरी की बुनियाद रखी, इसके पास्टुलेट्स को फॉर्मुलेट किया, सेल थ्योरी के प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं बेटा, क्या क्या उसूल हैं जिन पर ये सेल बायोलॉजी की पूरी इमारत खड़ी हुई है, और फाइनली सब सेलुलर पार्टिकल्स या ए सेलुलर पार्टिकल्स के बारे में भी थोड़ी बहुत बात करेंगे। स्टार्टिंग ऑफ विद द फाउंडर्स ऑफ सेल थ्योरी बेटा, पहले हम इसके फाउंडर्स की बात करने लगे हैं और उसके बाद मैं आपको इसके पोस्टुलेट्स की तरफ लेके जाऊंगा कि किस बंदे ने क्या बात की थी। हमारा ये लेक्चर हिस्ट्री से रिलेट करेगा, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमने हिस्ट्री में पढ़ी थी वो हम यहाँ रिपीट करेंगे। देखिए, सेल थ्योरी की जो बुनियाद थी वो तीन जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने रखी थी। तीनों लोग जर्मन थे, उनमें सबसे पहला नाम थीडर श्वान साहब का आता है, सेकंड नेम इज मैथियस श्लीडन साहब, एंड द थर्ड नेम इज रुडोल्फ बर्चू। मैं इनकी जो काम है वो क्विकली आप लोगों को के साथ जरा शेयर करता जाऊं। आपको याद होगा जो मैथियस श्लीडन साहब थे, इन्होंने प्लांट्स के हवाले से काम किया था। इन्होंने कहा था प्लांट के जो टिश्यू होते हैं वो सेल्स के एग्रीगेट्स होते हैं, और जो श्लीडन साहब थे उन्होंने सेम बात एनिमल्स के हवाले से की थी, और बर्चू साहब ने ए बायोजेनेसिस का जो नजरिया था उसको रूल आउट कर दिया था, उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। फिर उसकी एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पास्टर साहब ने की थी। खैर, ये तीन लोग जिनका मैंने अभी जिक्र किया, इनका रोल है सेल थ्योरी के हवाले से, इन्होंने सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया। जो पहले दो पॉइंट हैं ये थीडर श्वान और मैथियस श्लीडन की कंट्रीब्यूशन है, और जो आखिरी पॉइंट है वो वर्चू साहब की कंट्रीब्यूशन है। आइए जरा इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात सेल थ्योरी कहती है जी कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स, मतलब कोई ऐसी चीज जिंदा हो ही नहीं सकती जो सेल से मिलकर बनी ना हो। दूसरी बात यह है कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जिंदगी का यूनिट सेल है जनाब, सेल के बगैर जिंदगी नामुमकिन है। एंड फाइनल थिंग, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सेड बाय रुडोल्फ वर्चू, उन्होंने कहा कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स। आज आपके पास जो भी सेल मौजूद है वो पीछे से मौजूद, पहले से मौजूद सेल से ओरिजिनेट हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता कि यहां पर बैठे बिठाए एक सेल नमूदार हो जाए, एक सेल पैदा हो जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। वर्चू साहब ने सबसे अहम काम किया, सबसे बुनियादी काम, सबसे इंपॉर्टेंट काम आफ्टर द श्लीडन एंड थीडर श्वान के, उन्होंने ए बायोजेनेसिस का जो नजरिया था वो सेल बायोलॉजी से निकाल दिया, और उसके बाद सेल बायोलॉजी इमर्ज्ड एज वन ऑफ द बेसिक एंड फंडामेंटल साइंसेज ऑफ बायोलॉजी। ये था तीनों लोगों का, तीनों जर्मन साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन, थीडर श्वान, मैथियस श्लीडन और रुडोल्फ वर्चू का, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। दिस वॉज अबाउट द प्रिंसिपल्स एंड द फाउंडर्स ऑफ सेल थ्योरी। अगली बात मैं आप लोगों के साथ करने जा रहा हूं रिगार्डिंग द वायरसेस, रिगार्डिंग द सब सेलुलर पार्टिकल्स, ए सेलुलर पार्टिकल्स। देखिए जी, फाउंडर्स का हमें पता चल गया और प्रिंसिपल्स भी हमें पता चल गए। फाउंडर तीन, श्लीडन, थीडर श्वान एंड रुडोल्फ वर्चू, और प्रिंसिपल्स भी तीन कि सारे ऑर्गेनिजम्स बने सेल से हुए हैं, सेल फंडामेंटल यूनिट है सेल थ्योरी का, एंड लास्टली सेल्स पहले से मौजूद सेल से बनते हैं, खुद ब खुद सेल्स नहीं बनते। हमारा अगला सब टॉपिक इस टॉपिक का जो मैंने आज आपके साथ शेयर करना है, दैट इज ए सेलुलर और सब सेलुलर पार्टिकल्स। ये क्या बला होते हैं, लेट्स टॉक अबाउट देम एज वेल जी। भाई, तीन चार किस्म के पार्टिकल्स हैं जिनको हम सब सेलुलर या ए सेलुलर पार्टिकल्स कहते हैं स्टूडेंट्स। वन ऑफ देम इज वायरसेस, आपने इनके नाम सुने होंगे। वायरसेस को हम सब सेलुलर पार्टिकल्स कहते हैं, वायरॉइड्स को हम सब सेलुलर पार्टिकल्स कहते हैं, और व्रियॉन्स को भी हम सब सेलुलर पार्टिकल्स कहते हैं। सो ये जो बल्कि ये व्रियॉन्स नहीं होंगे, वायरॉइड्स ही व्रियॉन होते हैं, प्रियॉन्स जो हैं। इन तीनों तरह के पार्टिकल्स को स्टूडेंट्स हम सब सेलुलर पार्टिकल कहते हैं। अब इनको सब सेलुलर पार्टिकल कहने की वजह क्या है, इनका लाइफ स्टाइल, इनकी स्ट्रक्चर किस तरह की होती है, आइए बात करते हैं। देखिए, ये ऐसे पार्टिकल हैं जिनके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की भी कुछ करेक्टर्स हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के भी कुछ ना कुछ करेक्टर्स हैं। तो इनको देख के एक लेमैन को ये समझ नहीं आती कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। पहले जरा इनके लिविंग करेक्टर्स की बात करते हैं कि कौन सी खसूसियात, कौन से करेक्टर ऐसे हैं जो इनमें लिविंग वाले हैं। साथ ही साथ हम इनके नॉन लिविंग करेक्टर्स की भी बात कर लेंगे। यही सेम चीज आप जो है चैप्टर 3 में भी पढ़ के आए हैं स्टेटस ऑफ वायरसेस से मुतालिक। आइए जरा लिविंग नॉन लिविंग की बात करते हैं। बेटा, इनका लिविंग करेक्टर एक तो ये होता है कि वायरस हो या व्रियॉन हो या प्रियॉन हो,
दे प्रोड्यूस नेक्स्ट जनरेशन, अगली जनरेशन बनाते हैं, ये लिविंग करेक्टर है। नॉन लिविंग चीज अगली जनरेशन नहीं बना सकती। अच्छा अगली बात सुनिए, इसी तरह दे हैव जेनेटिक मटेरियल, इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर नहीं होता, लेकिन एक ऐसी चीज है, एक ऐसा कैरेक्टर है जो इनको बड़ा क्लियरली डिफरेंशिएट करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से, और वो है कि इनकी कोई मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं है। नो मेटाबॉलिक मशीनरी, ये मेटाबॉलिक मशीनरी के बगैर काम करते हैं बेटा, इनके पास अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं है। दे ओनली बिकम लिविंग व्हेन दे गो इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब जिंदा चीजों के अंदर जाते हैं तो वहां जाके ये लिविंग वाली एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। वैसे लिविंग बॉडी से बाहर ये नॉन लिविंग ही एक्ट करते हैं, ना इनकी रिप्रोडक्शन होती है, ना इनका जेनेटिक मटीरियल लेवल होता है, ना ये जो है वो डिजीज कॉज करते हैं। सो बट दे डू, दे गो इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दे स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग एंड स्टार्ट रेप्लीकेटिंग देयर जेनेटिक मटीरियल। सो दैट्स व्हाट हैपेंस इन देयर केस। अब यहां से हमें बात यह समझ आई कि इनका फिर जो स्टैंडर्ड है वो लिविंग नहीं है, दे नॉट लिविंग, बट इनको हम नॉन लिविंग भी कंसिडर नहीं करते, क्योंकि इनके अंदर कुछ करेक्टर लिविंग के। सो हमने इनके लिए एक स्पेशल टर्म डिवाइस की है जो कि है नॉन ए सेलुलर की सब सेलुलर पार्टिकल्स की, दैट दे आर अ बॉर्डर लाइन केस बिटवीन सेलुलर एंड ए सेलुलर, ए सेलुलर और सेलुलर के दरमियान एक ये एक बॉर्डर लाइन केस है। तो ये था हमारा सब सेलुलर के बारे में कुछ डिटेल्स दैट आई शेयर्ड विद यू पीपल। फाइनली अगर हम इन पार्टिकल्स को विजुअली देखें तो ये हमें कुछ इस तरह के नजर आते हैं। द वन ऑन द टॉप इज एक्चुअली द वायरस, ये आजकल क्योंकि कोविड है तो उसकी मुनासबत से मैंने ये जो डायग्राम है, ये जो पिक्चर है आप लोगों के साथ शेयर की है। ये वायरस स्पेसिफिकली, वैसे तो कोविड की, कोरोना वायरस की फैमिली से, कोविड नहीं कहेंगे हम इसको, कोरोना कहेंगे। तो वायरसेस जो हैं उनकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है, फिर हमारे पास ये वायरॉइड्स हैं, वायरॉइड्स की स्ट्रक्चर इस तरह की होती है, और ये जो प्रियॉन्स हैं इनकी स्ट्रक्चर इस तरह की होती है। दिस वॉज द ऑल अबाउट टूडे। कोई सवाल हो तो आप मुझसे पोर्टल के थ्रू पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।